ये रहा रोल चार्ज, ये रहा रोल्स का लोगो, एक गाड़ी रहा भाई रोल चार्ज कुलिनन। ये मैं जो पीछे देख रहा हूँ मेरे भाई बैक साइड रोल चार्ज कुलिनन है, गाड़ी जो है रोल चार्ज कुलिनन। आज इसका मैं फॉल्ट दिखा रहा हूँ भाई, फॉल्ट किया है, बहुत ज़बरदस्त फॉल्ट है मेरे भाई। भाई यार देखो ये जो फ्रंट लेफ्ट साइड कितना डाउन है, बम्पर के अंदर टायर के अंदर टायर है, बम्पर के अंदर टायर है। रियर देख लो ये कितना डाउन है, टायर अंदर है बम्पर के। ये मसला क्यों, जैसे तिरछा क्यों हो गया है, मैं अभी राइट दिखाऊंगा, राइट कितना ऊपर है, बहुत अप है ठीक है। तो आपका समतल भी दिखा दूँ, पहले समतल देखो कैसा है, देख लो समतल तिरछा है। ये गाड़ी क्यों ऐसे हो जाती हैं, तिरछा हो जाती हैं, एक साइड से अप होता रहता है एक साइड डाउन रहता है, इसी मसले पर मैं बताऊँगा। देख लो ना फ्रंट राइट कितना अप है, रियर देख लो कितना अप है, बट लेफ्ट साइड पूरा दोनों फ्रंट लेफ्ट दोनों बैठा है डाउन, डाउन ही है, नीचे ही है, बम्पर के अंदर टायर है। इसी मसले पे भाई मैं बात आऊँगा क्यों गाड़ी ऐसी हो जाती हैं। ये जर्मनी इटालियन ब्रिटिशन गाड़ियों में ऐसे मसला बहुत होती हैं, एक तरफ डाउन हो जाता है, एक तरफ बैठ जाता है, कभी तीनों बैठा रहता है, एक अप रहता है। तो इसी मसले पे बताऊँगा मेरे भाई, एक तरफ क्यों डाउन एक तरफ क्यों अप है, इसी मसले पूरा वीडियो आपका पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। जो लेफ्ट साइड में है ना मेरे भाई जो डाउन था, तो वहाँ मैं सस्पेंशन पहले चेंज किया, उसका एरोमेटिक शॉक चेंज किया, फिलहाल तब भी नहीं गाड़ी उठी। बट क्यों नहीं उठी मैं बताऊँगा, एरोमेटिक शॉक लीक था, एरोमेटिक शॉक लीक था, तो लीक होने की वजह, ख़राब होने की वजह से देखो ये वाल्व का मसला हो गया ठीक है। वाल्व का मसला हुआ क्यों मैं लास्ट बताऊंगा, वाल्व का मसला हुआ क्यों, वाल्व में क्यों खोलना वो भी बताऊंगा कि वाल्व क्यों खोला। जो मेरे हाथ में देख रहे हो मैं खोल रहा हूँ, ये वाल्व है जो एयर सस्पेंशन का वाल्व है, जो इसमें आप देखेंगे एयर भी निकलेगा ठीक है, दो लाइनर्स पाइप एयर निकलेगा, दो और लाइनर्स पाइप से एयर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, जैसे देख रहे हैं आप एयर निकल रहा है ना, इस पाइप से एयर निकल रहा है, बस दो पाइप से एयर निकलेगा और पाइप से एयर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा मैं आपको वो भी बताऊंगा क्यों नहीं निकलेगा ठीक है। जो फिलहाल है ना मेरे भाई दो पाइप से इसीलिए एयर निकल रहा है, जो आप देखे हो राइट साइड फ्रंट रियर दोनों गाड़ी जो अप था वो एयर उसका पाइप है, जो एयर था तो वो एयर इसमें इस लाइनर से निकला है, इस लाइनर से एयर जाती थी तो दोनों अप था, फ्रंट और रियर दोनों अप था, बट लेफ्ट साइड नहीं एयर गया है, किसी एयर में नहीं गया है, चाहे फ्रंट में चाहे रियर में दोनों में एयर नहीं गया। इसके वजह से इसका वाल्व खोला, वाल्व खोला इसलिए हूँ जो वाल्व है ना ये जाम हो जाती है ठीक है, क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, तो एयर पास नहीं करता, तो एयर नहीं पास करता। देखो मैं देख रहा हूँ ना, तो दो पाइप से एयर निकल रही है, तो गाड़ी धीरे धीरे डाउन भी हो रहा है ठीक है। तो मैं जग चेक करूँगा, आराम से जग चेक करके फिर से आप फिलहाल आपको पूरा मियाँ मियाँ दिखाऊंगा। हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल विशाल कार मैकेनिक, आपका स्वागत है, मैं हूँ गोरखपुर इंडिया से। तो फिलहाल दिखा दो मेरे भाई ए एरोमेटिक शॉक चेंज किया फ्रंट लेफ्ट, दिखा देख लो ए जो है ना एरोमेटिक शॉक है, जो मैं इसको रिप्लेसमेंट कर दिया हूँ, इसी की वजह से गाड़ी अप एंड डाउन होता है ठीक है। ये सस्पेंशन है, अगर ये ख़राब हो जाता है तो ये डाउन हो जाता है, तो इसको मैं ये गाड़ी ऊपर नहीं हुआ अप नहीं हुआ, बट मैं इसका एयर कंप्रेसर खोल दिया हूँ। देखो जो है ना पूरा एयर कंप्रेसर जो यही गाड़ी का एयर बनाता है, जो चारों सस्पेंशन में एयर भेजने का काम जो है ना ये वाल्व करता है ठीक है। तो कंप्रेसर ये बनाता है, इसके बाद एयर पूरा इसमें वाल्व में भेजता है, तो वाल्व में भेजता है मेरे भाई ना, तो चारों टायरों में वाल्व, चारों वाल्व कह रहा हूँ, चारों टायरों में वाल्व नहीं, तीन वाल्व लगे रहते हैं, फिलहाल तीन वाल्व लगे रहते हैं, ऐसे जो वाल्व है ना तीन वाल्व लगे रहते हैं, तो चारों टायर में एयर सस्पेंशन रहते हैं, तो चारों एयर सस्पेंशन में वाल्व जाता है, एक इनपुट आउटपुट का पाइप रहता है, ये जो है ना इनपुट आउटपुट का पाइप होता है इसमें, और ये कंप्रेसर है, यही कंप्रेसर जो है ना पूरा बना रहता है, जो ये दिखा रहा हूँ ना ये पंप पूरा खेला इसी का है। जो ये लगाने का लोकेशन है रियर, रियर लेफ्ट लगा रहता है पंप, और इसके बैक साइड ये वाल्व लगा रहता है, पंप के बैक साइड वाल्व लगा रहता है, बता दे रहा हूँ पंप के बैक साइड वाल्व लगा रहता है, ये ना कि कहीं से खोल दो ठीक है। ये रोल साइज कूलर का पंप एरोमेटिक शॉक के बैक साइड वाल्व लगा रहता है, ये कंप्रेसर ओके मेरे भाई, ये कंप्रेसर जो है ना एयर कंप्रेसर जो ओके है ठीक है, इसका मुश्किल नहीं है, जो मुश्किल है वाल का मुश्किल है, ये सीजेंट बता रहा हूँ, जो वाल मुश्किल है वाल का मुश्किल है, इसके वजह से गाड़ी फ्रंट साइड लेफ्ट साइड अप नहीं हो रहा, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे फिलहाल। कस्टमर देखो क्या होता है, कस्टमर का अरबाब बताएगा, वो बताएगा वाल को चेंज करना है या कंप्रेसर चेंज करना है, लेकिन कंप्रेसर ओके, कंप्रेसर एयर बना रहा है, वाल सब जो मुश्किल है वाल का मुश्किल है। तो अब देखो क्या होता है आगे, पूरा मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ये देखो एक बात और बता दे रहा हूँ, जो ये पाइप है ना भाई, इस पाइप पे कहीं निशानी नहीं है, वाल्व लगाना है तो कहीं निशानी नहीं है, जैसे दिखा दूँ कहीं भी येलो रेड ब्लू ब्लैक नहीं है, निशानी जो है यहाँ पे है निशान,
इसके थ्रू आपको पाइप लगानी है इसमें, इसके थ्रू इस कलर के थ्रू आपको इस वाल्व में पाइप लगाना है, जो वाल्व है ना इसके थ्रू लगानी है, इस कलर के थ्रू लगानी है। और जो तो दो पाइप है तो दो पाइप आसानी से लग जाएगा, दो पाइप ब्लैक ऐसा था ठीक है, तो ब्लैक वाला वो ब्लैक कह रहा हूँ जो 10 नंबर ये आराम से लग जाएगा, 12 नंबर है ये भी आराम से लगेगा, 10 नंबर इसमें आएगा, 12 नंबर इसमें आएगा, और जितने ये हैं 12 के ये इसमें आएगा। ओके तो फिलहाल मैं वीडियो को लास्ट तक बनूँ, मैं गाड़ी आपको ऊपर उठा के पूरा दिखाऊंगा, गाड़ी कैसे ऊपर हो रही है कैसे डाउन हो रही है हर एक चीज़ दिखा दूँगा भाई, रोड साइज कैसे ऊपर हो रही है। एक गाड़ी नहीं भाई पला है मालूम है, इसका आपको अंदर भी दिखा दूँगा सिस्टम, तो आप कहोगे क्या गाड़ी है, देख रहे हो जिसमें LED था इसका लेजर लाइट लगी है मेरे भाई, ये रोसा से की है, रोसा से की दिखा लो, रोसा से की इसका गियर का शिफ्टर यहाँ रह गया था, देख रहे हो ना गियर शिफ्टर, ये गियर शिफ्टर है, डैशबोर्ड चेक करो इसका, यही प्रॉब्लम है भाई, यही सस्पेंशन बैठा है नीचे का, फ्रंट लेफ्ट बैठ गया है, पूरा डाउन हो गई फ्रंट का, तो भाई ये निकाला हूँ तो पूरा चारों टायर बैठ गया है, चारों बैठने की वजह से चारों मतलब ये निकाला हूँ, एक तरफ से मैं इधर टायर खोला हूँ, इधर आगे गाड़ी उठाया हूँ तो इधर ऊपर अप हो गया है, इसके वजह से इधर भी बैठ गया है, इसकी वजह से इधर ये भी बैठ गया है, डाउन हो गया है, ये रोल चार्ज है। और फिलहाल मैं आपको इसका रोल चार्ज का लोगो दिखा रहा हूँ, जो लोगो देखोगे ना भाई कहो क्या लोगो है, उसका प्राइस भी बताऊँगा लोगो कितना प्राइस है, प्राइस ये रोल साइज का लोगो है जो ब्लर कर दिया यार, तो मेरे भाई इसका प्राइस बता दूँ 50,000 दिरहम, 50,000 दिरहम है इसका लोग, ये जो इतना है ना बस इतना 50,000 दिरहम का ही। तो फिलहाल मैं भाई वीडियो को लास्ट तक बनाऊँ, मैं वीडियो को पूरा आपको लास्ट तक दिखाऊंगा, गाड़ी ऊपर हो रही है कि नीचे हो रही है हर एक सस्पेंशन का आपका ये इस गाड़ी में दिखा दूंगा। ओके अब भाई मैं इसका पंप आ गया, न्यू पंप आया है, प्लस एयर वाल्व जो होती है वो जो दिखाया हूँ वाल्व खोला हूँ वो भी आया ठीक है, जो वाल्व का मुश्किल था वो भी आया, ये भाई जेनुअन आया है, जेनुअन पार्ट्स रोल्स रॉयस कंपनी से आया है, कस्टमर खुद गया रोल्स रॉयस कंपनी से, इसका एयर सस्पेंशन का पंप और वाल्व दोनों लाया, ये उसका ओल्ड वाला पंप है, इसका ओल्ड वाला पंप कह रहा सॉरी इसका ओल्ड वाला वाल्व है ठीक है, ये ओल्ड वाला पंप है, ये जो एयर सस्पेंशन का पंप होता है ये है, ये न्यू है जेनुअन है मेरे भाई, जेनुअन लेकर आया है, एक साथ पूरा कंप्लीट लाया है, इसके साथ वाल्व भी था मेरे भाई, ये बहुत महंगा है, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, बट जिसका गाड़ी है भाई वो अरबाब आदमी है, पोस है मालिक है, इसके पास पैसा है ठीक है, तो दुनिया में कहावत है पैसा होता है तो दुनिया याद करती है, पैसा बहुत है इसके पास। फिलहाल मैं इसका न्यू पंप लगाऊंगा ठीक है, न्यू पंप लगा के मेरे भाई इसका अब पूरा दिखा दूंगा कि गाड़ी के ऊपर चारों टायर बराबर है कि नहीं, तो फिलहाल इसका पूरा जो न्यू आया है वाल्व पंप, इसका वाल्व दिख रहा हूँ ना पूरा, इसका वाल्व का ये जितने बोल्ट है जो वाल्व लगेंगे पाइप का लाइनर जो लगेंगे ना वो सब मैं खोल के निकाल दूंगा, क्योंकि इसलिए खोल के निकालूंगा कि इसमें जो पाइप है ना वो मैं लगाऊंगा, जो पाइप लगाऊंगा जो देख रहे हैं ना ये हाथ में उसको मैं खोलूंगा, तो फिलहाल मैं ये सब कलर मैचेस कर लूँगा, सेम है ना कहाँ से डिफरेंट नहीं है ना, डिफरेंट होगा तो फिर से मसाला बना देगा, इसलिए मैं पूरा चेक कर लूँगा कौन कौन सेम है या सेम नहीं है, पूरा कलर में भी सेम है ठीक है, मे भी सेम नहीं है पूरा कलर सेम है, मैं भी कह रहा हूँ सॉरी भाई, कलर सब सेम है, ये पूरा मियाँ पंप है मेरा भाई, जेनुअन पंप है, रोज साइज कंपनी चलाया है बंदे ने, पैसे जब गाड़ी है तो पैसे भी है ठीक है, पैसा है तभी ना इसके पास रोल चार्ज है, तो फिलहाल इसका पूरा जो पंप है और वाल्व है दोनों लाया है, क्या है ये कस्टमर कह रहा है कि मैं बार बार ये मसला नहीं झेलना चाहता हूँ इसलिए मेरा दोनों लगा दो, पंप न्यू लगा दो और वाल्व भी न्यू लगा दो, इसलिए दोनों पंप और न्यू लगेगा और वाल्व भी न्यू लगेगा, इसको भाई ये जो मसला था बस वाल्व मसला था, बाकी कस्टमर को दिल में राहत नहीं है, बट उसने इसलिए दिल में राहत नहीं है मेरे भाई, क्योंकि इसको बार बार कौन बनवाएगा कौन फिर से गैराज ले जाएगा वर्कशॉप ले जाएगा इस मसले के लिए, इसलिए सीधे चेंज करा दे रहा है पंप भी और वाल्व भी एक साथ, तो मैं जिस इसका है पूरा आराम से पहले धीरे से गैस खोल दूँगा पूरा निकाल के, उसके बाद पाइप लगाऊँगा।
फिर भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो यार, ठीक है। आपको लाइक करने से मेरा यार दिल खुशी मिलेगा कि आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है। नहीं लाइक कर सकते मेरे वीडियो को भाई तो अच्छा नहीं करता है मालूम है। हम जर्मनी या ब्रिटिश इटालियन गाड़ी को वीडियो देखना है तो चैनल सब्सक्राइब करो साथ में, ठीक है। अब बेल आइकन दबा लो, कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा अगर बेल आइकन दबाओगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। इस गाड़ी को मैं ऊपर उठा के मेरे भाई आपको दिखाऊंगा, इसको ऊपर उठा के दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। इन गाड़ियों में क्या होता है मेरे भाई, जो सस्पेंशन होती है ना, सस्पेंशन कभी कंप्रेशन ही चलता है, कभी वाल्व बल्ली क्लोज हो जाता है तो एयर पास नहीं होती, तो उस साइड गाड़ी उठती नहीं है। कभी कभी लेवल सेंसर टूट जाता है तब गाड़ी नहीं उठती, बट इसका जो वाल्व है जो मैं दिखाया हूँ वाल्व, उसका कंप्रेसर पास नहीं कर रहा है, वहाँ से एयर पास नहीं हो रही, तो लाइनर जो है क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है, इसकी वजह से एयर पास नहीं हो रही फ्रंट साइड। ये फ्रंट साइड इस पाइप में एयर नहीं आ रहा है, एयर नहीं आ रहा तो ये गाड़ी अप डाउन या कुछ हो रही, ये गाड़ी उठी नहीं रही, ठीक है। एयर आ ही नहीं रहा बट कंप्रेसर चल रहा है, इसका जो एयर कंप्रेसर है वो चल रहा है बट ये गाड़ी अप डाउन नहीं हो रही, कारण से इस पाइप में वाल्व के रास्ते से एयर नहीं आ रहा, तो जो एयर का लाइनर वाल्व है वहाँ से 5-6-7 पाइप है, ठीक है। एक आउटपुट इनपुट है और जितने चार पहिए हैं, चार सस्पेंशन है, उस चारों का एयर पाइप है, एक जो कंप्रेसर बनाता है एयरमेटिक शॉप का पाइप 12 नंबर वो है, ओके। तो मैं इसको गाड़ी आपको उठा कर आपको दिखाऊंगा इसका, तो मैं भाई दिखा दूँ। गाड़ी ऊपर हो गई है, ठीक है, अप हो गया है, चारों टायर बराबर हो गया है, समतल बराबर हो गया है, सफाई वाला सफाई कर रहा है, ठीक है, अंदर कचरा वाला था तो सफाई कर रहा है। तो फिलहाल दिखा दूँ मैं फ्रंट रियर दोनों दिखा दूँ, लेफ्ट साइड है फ्रंट, देख रहे हो ना कितना अप हो गया है, टायर और बंपर का गैप हो गया है मेरे भाई, ठीक है। पहले गैप ना था, ये देखो रोल साइज कुलिनन, ये रोल साइज कुलिनन है जो इसका मॉडल था। राइट साइड देख लो, रियर और फ्रंट दोनों देख लो मेरे भाई, कितना गैप हो गई है, बराबर हो गया। पहले यही टायर कितना अप था, ऊपर था, चारों टायर बराबर हो गया है। फिलहाल पूरा गाड़ी मियाँ मियाँ हो गया, गाड़ी रनिंग होके आई है तब गाड़ी बराबर हुआ है, ओके। ऑफकोर्स मेरे भाई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा लेना, घंटी वाला चीज, कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज का वीडियो इतना ही।